प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सरकार से बारिश से प्रभावित लोगों की मदद की मांग की है। पठानिया ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की धारकंडी, चंगर और सेंटर बेल्ट में हुई भारी बारिश के कारण हुए नुकसान और प्रभावित लोगों को सरकार की तरफ से नाममात्र ही मदद की गई है। सरकार से ज्यादा तो सामाजिक संस्थाएं और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रभावितों को मदद पहुंचाई है। पठानिया ने कहा कि भोबैली के रुलेड़ में जहां मकानों पर पहाड़ी का मलबा गिरने से 10 लोगों की मौत हुई थी, वहां मौके पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने जो आर्थिक सहायता देने की बात की थी, वो सहायता अभी तक प्रभावितों को नहीं मिली है। पठानिया ने कहा कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के धारकंडी, चंगर और सेंटर बेल्ट के सभी जगह जाकर जायजा लिया तो पाया कि अभी तक प्रशासन व विभाग प्रभावितों में बिजली, पानी और सड़क को बहाल नहीं कर पाया है। इसके उपरांत पठानिया ने उपायुक्त कांगड़ा को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द टीम गठित करके प्रभावित जगहों पर भेजे और नुकसान का आंकलन किया जाए, साथ ही प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान की जाए। 12 जुलाई को मैं कहता हूँ बड़ी दुखद घटना वो के अंदर हुई, फिर रुलेड़ और हमारा अपर खड़ी बेई घेरा अरजोल और तमाम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भारी वर्षा के कारण नुकसान हुआ उसको लेकर हम माननीय जिलाधीश महोदय से हम मिले हैं। उन्होंने विनम्र प्रार्थना की है कि क्योंकि जहां 10 लोग गए हैं वहां जो हमने उसके बाद मैं कहता हूं हफ्ते बाद जब उनके मैं साथ सभी परिवारों से मिल के आया हूं, 20-22 किलोमीटर मैं पैदल चला हूं, तो हमने ये प्रार्थना की है कि जो वर्तमान सरकार ने जो वादे किए थे, जो चाहे उनको अल्टरनेट लैंड की बात हो, चाहे मैं कहता हूँ कुल मिला के खाने पीने की व्यवस्था जो है वर्तमान सरकार अभी नहीं कर पाई है सभी इलाकों में, और इसके साथ साथ हमारा यही है कि अल्टरनेट लैंड को लेकर माननीय जिलाधीश महोदय से हम मिले हैं, और जहाँ तक खड़ीबेई और रवा और बरला और मैं कहता हूँ लोअर खड़ीबेई, बोंटू और गेरा की बात है, हमारी ये मांग है कि जल्दी से इस इलाके को जो है सड़क के साथ जोड़ा जाए, बिजली पानी जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो बहाल किया जाए, और जोल के अंदर भी जो घटना घटी है वहाँ भी जो जिस तरीके से अभी तक मैं कहता हूँ प्रशासन ने नाम मात्र मदद की है, 20,000 रुपया एक परिवार को दिया और बाकी सब लोगों को 10,000 रुपया दिया है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से थ्रू जिलाधीश महोदय ये मांग की है कि जिनके घरों को नुकसान हो उनको सीधा 5-5 लाख रुपया जो है मुख्यमंत्री महोदय उनके अकाउंट में डालें, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है डबल इंजन की सरकार है, कुछ मुख्यमंत्री महोदय डालें, कुछ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री डालें, जिससे कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को दोबारा से आरम्भ कर सकें।